चश्मा लगाया है आज तो बढ़िया। आँखों इतना चश्मा लगाया है। हर महादेव, गुड मॉर्निंग, जय माता जी, जय अंबे माँ। आज अपनी यात्रा आज 4 दिवस है, मतलब 3 दिवस, आज तीजो दिवस है अपनी यात्रा। एंड हूँ जस्ट वॉकवा करूँ छू, मोड़ा साथ कम से कम निकली गयो। मोड़ा साथ मैं 3:30 वगैया चालू करी थी, सांजे मोड़ा सा रुकाया था ने, तो 3:30 वगैया चालू करी तो हमारा है 6:40 थी गई से। कम से कम मोड़ा सा मैं है ने 15 किलोमीटर जटलू कापी नाख्य से, 15-20 हाँ लगभग। मोड़ा सा बहुत पाचल रही गयु है, और हमें शामराजी नजीक से हमें शॉर्टकट में जाना है, भीलोड़ा बाजू एक रस्तो है। बाकी चिराग पाचल आए थे, एंड मारे 7 वगे वीडियो पब्लिक करवा है, एट हूँ नेटवर्क सारा आए नहीं जगह पर जाऊँ छू। बाकी जो पब्लिक फूल चाली रही है यार, पाचल पर बहुत पब्लिक से। तो चलो यार, आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। एंड तीसरा दिन है इसलिए हालत थोड़ी सी खराब हो रही है, तो कुछ ऐसे लोकेशन पे पहुंच गए हैं हम। एंड जस्ट ये जो रोड जाता है ना, वो जाता है साम्राज्य की तरफ, एंड जाता है शॉर्टकट जो कि कई गाँव में मैंने खबर नहीं, बाजू जाए अने आ रस्त शॉर्ट पड़े एम कहूँ बधा, एट्ले अमे आ रूट पर जाना छे। बाकी मैंने याद तो हूँ कि एक शॉर्टकट रोड है एम, बाकी અને આ જે જાય છે ને શામળાજી બાજુ જાય છે, તો જો યાર ચાલો। તો ભાઈ યહાં પે દેખો, ચશ્મા લગાવ ના સાહેબ, શરમા રહે દેખો, કેસે લગ રહે કમેન્ટ મેં બતાના ગોપુ ભાઈ, ગોપુ બ્લોગ કેસે લગ રહે કમેન્ટ મેં બતાના ગાઈસ। બાકી ઓ ચશ્મા લગાવ ના સાહેબ, ક્યા નામ હે આપકા, ચશ્મા લગાવ ના સાહેબ, બઢિયા બઢિયા, હમને ચશ્મા લગા દિયા હે। भाई निकल चुके हैं हम भीलोड़ा के लिए यहाँ से, और अभी जाते हैं आगे। और यहाँ पे ये शर्मा बहुत रहे, फिर नहीं करेंगे, चश्मा लगाया है आज तो बढ़िया। आँखों इतना चश्मा लगाया है। हेलो गाइस, आज हम पहुंचने वाले हैं भीलोड़ा, एंड भीलोड़ा यहाँ से होगा करीबन 17-20 किलोमीटर होगा भीलोड़ा। आज हम पहुंच जाएंगे भीलोड़ा, एंड 8 बजे करीबन हम 12 बजे में, 12 बजे से पहले शायद पहुंच जाएंगे भीलोड़ा में। एंड उसके बाद इधर देखते हैं आज इधर पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। एंड इधर यहाँ से 63 किलोमीटर है, हाँ देखते देखते हैं यार। तो यार जस्ट अमे सामे आ रोड से आया से, एंड आ हाईवे से, हाईवे से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर से कहीं पास एक रस्तो बदलवानो छे। एंड जस्ट खबर नहीं आ हाईवे कयो छे, जो कई काव हाईवे से, एंड अहीं छे ने रेलवे पटरी छे। मारा ख्याल से आ छे ने हिम्मतनगर वालो हाईवे छे, हिम्मतनगर है, हां यार मारा ख्याल से हिम्मतनगर वालो लागे छे, मारा ख्याल से कई खबर नहीं जे होय। बाकी अमारे छे ने आ बाजू जवानुं छे, तो चलो यार ट्रेकिंग चालू करिए। बाकी अहीं छे ने दिशामो छे, नास्तो पानी करशुं तो लेट थई जशुं एटला माटे। बाकी जो यार कंईक आवो छे नजारो अहींनो, एंड सामे देखो पहाड़ो पहाड़ो है भाई, तो पाछळ रही गया छे। एंड अहींथी શામળાજી छे ने 11 किलोमीटर दूर छे, आ जे जग्या छे ने अहींथी શામળાજી 11 किलोमीटर दूर छे। बाकी अहींया पर देखो, अहींया पर यार कोई गाइस चल चल के हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई है, एंड सामने कैंप जैसा, मतलब कि विशामा जैसा कुछ आ रहा है। एंड यार बहुत धूप हो रही है, और देखो इन खेतों में से जाना पड़ता है, देखो कितना छोटा सा रोड है, और यह ना मतलब शॉर्टकट रोड है, ये भीलोड़ा निकलेगा, भीलोड़ा नहीं, प्रॉपर भीलोड़ा नहीं,
भिलोड़ा जाते पहले एक बड़ा सा वो आता है ना ढाल, फिर वहाँ पे निकलेगा, मैं आपको बताऊँगा। हालत तो बहुत ख़राब है मेरी आज। जस्ट गाइज हम यहाँ पे पहुँचे ना, तो देखो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा माहौल दिख रहा है ना, देखो कितना प्यारा सा पानी आ रहा है। एंड हमारा आज का नहाना शायद नहीं यहाँ पर ही होगा, क्योंकि चिराग है ना उसने तो सुबह नहाया था गर्म पानी से, तो वो तो देखो वहाँ जा रहा है, मतलब कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और मैं नहा कर जाऊँगा आगे। एंड मेरे को यहाँ पर नहाना है, तो आप समझ लो कि यहाँ पर मैं किस तरह से नहाऊँगा। देखो यार खुद सोच लो, देखो ऐसे ही नहाना पड़ेगा मेरे को, देखो एक दूसरे को देख कर आप समझ जाओ। तो चलो अभी मैं पहले नहा लेता हूँ, फिर मिलूँगा आपसे थोड़ी देर में। तो यार हमने यहाँ पे नहा लिया था एंड देखो मैं तैयार हो गया, एंड देखो इस पानी में नहाया था यार कितना मस्त, बहुत मज़ा आ गया था, बट बहुत मज़ा भी आया। एंड हमने यहाँ पे नहाया है, तो देखो मेरे कपड़े सब कुछ यहाँ पे सूख रहे यहाँ पे, तो इसको है ना मतलब मैं जैसे चल के जाऊँगा ना वहाँ पर बैग के पीछे रख लूँगा ताकि थोड़े सूख जाए, क्योंकि यहाँ पर सूखने के लिए बैठूँगा ना तो मैं लेट हो जाऊँगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और कपड़े ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। बाकी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना यार, ठीक है। चलो हम यहाँ सब चल रहे हैं और मेरे कपड़े सारे ही यहाँ पे हैं। बाकी यहाँ पे देखो नहाने का बहुत मज़ा आ रहा था, देखो खुद भी सोच लो कितना मज़ा आता होगा। चलो चलते हैं आगे की ओर। गाइस बहुत हालत ख़राब हो गई है, एंड देखो सामने दो लोग जा रहे और पीछे तीन चार आ रहे थे, और वो चिराग भैया आगे है मुझसे बहुत आगे निकल रहे हैं 2-3 किलोमीटर। एंड हमें यार बहुत ही धूप है, बहुत मतलब कि अब यहाँ से करीबन होगा पता नहीं जितना हो, लेकिन अब आएगा भिलोड़ा पर एना पहले एक मोटो ढाल आवशे, पही भिलोड़ा पही ईडर, आज खबर नहीं ईडर पोकाई ना पोकाई, जेटला पोकाशे तो नाइट कही देसूँ, बाकी रातें चालू पड़े तो दिवस से नहीं मजा आती है, ताप बहु लगे। आज वो ये वाहन चालू से, तो यार देखो ये रहा जस्ट सामने आ गया है साम्राज्य 2 अंबाजी का रोड। एंड चलो अब आएगा भिलोड़ा, एंड देखो ये रहा वो बड़ा सा ढाल जो हम कहते थे ना, ये वाला ढाल है देखो बड़ा सा। तो यार अभी हमें ना ये देखो देखो यार अभी हमें ना ढाल चल रहे भिलोड़ा का ढाल, देखो मेन ढाल देखो यार। तो यार चल मैं जो है ना भिलोड़ा का जो ढाल होता है वो मैं उतर गया हूँ। एंड यार इस रोड पर तो इतनी ज़्यादा पब्लिक जाते हैं ना, बहुत ही देखो यार पीछे रथ आ रहा है, बहुत ज़्यादा पब्लिक जा रही है। एंड आज का रुकने का कोई इंतजाम नहीं है, देखते हैं यार कोई अच्छी सी जगह मिल गई तो रुक जाएंगे। बाकी चलो एंड चिराग तो बहुत पीछे है, 7 किलोमीटर मेरे पीछे आ गया है, वो अभी आ रहा है और मैं यहाँ पर रुकने का इंतज़ाम कर रहा हूँ, अच्छा हुआ जाए। बाकी यहाँ से अंबाजी 100 किलोमीटर अभी रह गया है मेरे यहाँ से अंबाजी। देखो यार यार अभी है ना बहुत तेज बारिश हो गई थी, एंड देखो रास्ता देखो पूरा घिना हो गया है। एंड चिराग है ना मेरे से 7 किलोमीटर वो पीछे रह गया है, वरना आज हम है ना बड़ा हनुमान पहुंच जाते, लेकिन वो पीछे रह गया है ना, उसकी वजह से मेरे को भी यहाँ पे रुकना पड़ेगा, वरना देखो यार। एंड सामने 3 किलोमीटर है भिलोड़ा मेन बाजार, बाकी पब्लिक तो देखो फुल जा रही है। हाँ भिलोड़ा का फर्स्ट विसामा मतलब कि जो ढाल होता है ना ढाल जो भिलोड़ा में जो मेन ढाल से ये उतरिए ना, एट पहलो विसामो तमने आज अमर से एने कम अँ ढाल से 1 किलोमीटर दूर है, अने बजार पण 1 किलोमीटर जेटलू बजार दूर है, बाकी एन चिराग अमरा 1 किलोमीटर दूर से पाछल रही गयो है, एट हमें आई रहे थे એટલે હું બેઠો છું। કમ સે કમ યાર પબ્લિક તો બહુ જ જાય છે યાર અંબાજી બહુ, એટલે બહુ પબ્લિક છે,
बाकी अभी समोसे एंड चलो हम कुछ नाश्ता भी कर लेते हैं अब। एंड मैंने है ना मतलब कि मैंने है दो दिन से लिखा, मैं रोज़ नहाता हूँ, अब अभी सुबह मैं आज आपको दिखाता, पर मैंने है बालों में तेल ही नहीं डाला तीन दिन से, आज मेरा तीसरा दिन है बालों में तेल डाले हुआ, इसलिए देखो कुछ ऐसे ऐसे हो गए हैं। डालेंगे यार हुक्के हुक्के थे जे बराबर मेरे लटके हुक्के हुक्के। तो चलो पहले हम खा लेते हैं अब गाठिया। देखो यार जब यात्रा पर होते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती है, जैसे बालों में तेल है, अच्छी सेहत भी नहीं है मेरी, खाना पीना ढंग से नहाया एंड साबुन भी नहीं लगाता मैं तीन दिन से यार। मतलब घर पर होते ना तो सेफ रहते हैं, लेकिन बाहर पर क्या रखे यार, ठीक है एक तो टेंशन कहाँ पहुँचेगी कब पहुँचेंगे। बाकी देखो पब्लिक फूल है, चलो यार ब्लॉग में कंटिन्यू बनेगा ना। अभी ट्रैकिंग चालू हो गई है एंड देखो यार पूरा रास्ता भरा हो भरा, देखो पब्लिक ही पब्लिक देख रहे हैं एंड यहाँ पर हम चल रहे हैं। चलो यार पता नहीं आज तो मतलब कि आज कोई अंदाज़ा नहीं कि कहाँ तक गाइस, यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है एंड लगता है शायद बारिश आएगी है एंड वहाँ पर देखो पहाड़ों है, लगता है आज शायद बारिश आ सकती है, कोई चांस नहीं है। बाकी पब्लिक देखो यार एक बार गाइस, जस्ट अभी हम है ना बेलोडा में पहुँच गए हैं और देखो बेलोडा की मेन सिटी आ गई है एंड चलो हम यहाँ से शॉर्टकट में जाएंगे इधर की तरफ। तो चलो देखो यार बारिश का मौसम होने वाला है, देखो पूरी तरह यहाँ पे देखो यार अंबाजी 102 किलोमीटर 100 देखो सामने बाहर बहुत एंड अब मज़ा आ रहा है चलने में, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम हो गया है, वातावरण ठंडू हो गया है इतना माते चाहे घर में बहुत है जाए। बाकी चिराग जो हमें व्लॉगिंग कही जाए चालू हो गई है एंड देखो यार बारिश चालू हो चुकी है यहाँ पे, बारिश चालू था बारिश चालू हुए थे मेरे ब्लॉग को यहाँ पे आगे तक मिलते हैं यार, पता नहीं क्या कुछ नहीं पब्लिक अब धीरे धीरे ना रुक जाएगी रास्ते पे कहीं ना कहीं पे। तो गाइस अभी देखो धमाकेदार बारिश चल रही है एंड यहाँ पे देखो चिराग हाय हाय बोल रहा है, देखो यार बारिश शुरू है एंड देखो पूरी जगह पर देखो वहाँ पे तो भी लोग भी देखते हैं। चलो बारिश अब रुकते हैं तो शायद ट्रैकिंग चालू कर देंगे। बाकी यहाँ पे देखो लोग काफ़ी सारे लोग हैं एंड इसी तरफ भी देखो, तो अभी थोड़ी थोड़ी बारिश चल रही है एंड अभी हम जा रहे हैं। बाकी देखो यार पब्लिक तो अभी देखो चालू हो गई है कंटिन्यू। चलो यार देखो इन बाज़ारों में से जाना पड़ता है एंड बारिश बहुत चल रही थी अभी के है ना कम्प्लीटली 7 बज गए हैं एंड देखो पब्लिक है। तो यार देखो जस्ट सामने है बड़ा हनुमान जो कि आप देख लो एंड हमारी ट्रैकिंग अभी भी चालू हुई है एंड कम से कम आज हमको है ना इधर पहुंचना है, इधर देखते हैं यार पहुंचेंगे नहीं। बाकी ये देखो ये बड़ा हनुमान था, हमने दर्शन कर लिए हैं एंड चलते हैं अब आगे की ओर। गाइस देखो हम कुछ ऐसे जगह में सो रहे थे एंड देखो यहाँ पे वो सभी लोग सो रहे हैं चिराग और सब कुछ, और मैं बाहर आ गया हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो अपलोड करनी थी ना इसलिए, एंड आज हमने है ना 7 किलोमीटर से ऊपर अंतर कट कर लिया था मोड़ासा से या इधर का एंड मोड़ासा से इधर 7 किलोमीटर है एंड यहाँ से इधर है ना 10 किलोमीटर बचा है। आज के दिन में हम है ना खेड़ ब्रह्मा के दर्शन कर देंगे नाना अंबाजी का, बाकी इस ब्लॉग में तो नहीं आएगा वो सेकंड ब्लॉग में आ जाएगा। बाकी ये ब्लॉग आपको कैसा लगा है यार इन्जॉय किया होगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे के यात्रा में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, प्लीज़ आप सपोर्ट कर दो, चलो बाय बाय यार।